अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन पैनल पर काम करेंगे, यानी इस एडमिन पैनल पर जैसे क्लिक हो तो ये हमको एडमिन पैनल पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर कंपोनेंट के अंदर भी इसको बना सकते हैं। पहले शुरू में क्या करता हूँ, इसको जो है ना नेविगेट के लिए एनेबल कर देता हूँ, यानी हमको सिंपली एक नेविगेट का फंक्शन इस पर कॉल करना है। जैसे हमने एडिट प्रोफाइल, माई ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन के लिए किया था, सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं। देखिए कहाँ पर है, ये रहा हमारा एडमिन पैनल। तो हम क्या करेंगे, ऑन प्रेस को जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये नेविगेट कर रहा है नोटिफिकेशन पे, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आईडी वाला भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये आईडी के साथ में जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और इस एडमिन पैनल पे हम क्या करेंगे, इसके टचेबल ओपेसिटी पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर माई ऑर्डर्स के बदले कर देंगे इसको एडमिन पैनल, सेव कर लेते हैं इसको। अभी अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो एरर शो करेगा नेविगेट का, क्योंकि ये पेज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये पेज को भी हमको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज भी बना लेंगे। स्क्रीन के अंदर जाना है तो कंपोनेंट्स को मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पर है स्क्रीन। स्क्रीन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ एडमिन। और इस एडमिन के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे dashboard.js। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RNFE, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, सेव कर लेते हैं इसको। और इसको हम क्या करेंगे, app.js में इम्पोर्ट कर देंगे। सो आपको जो है app.js को भी ओपन करना है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, कोई भी एक राउट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये नोटिफिकेशन वाले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे आपको जो है पाथ लिखना है। पाथ हमने क्या लिखा था एडमिन पैनल में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा था एडमिन पी कैपिटल से, यानी कैमल केस में हमने लिखा था। तो सेम इसी को मैं जो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एडमिन पैनल। उसके बाद में कंपोनेंट का नाम, नोटिफिकेशन कट करके हम लिखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड। देखिए सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए डैशबोर्ड पेज पर हम रिडायरेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आप जो है डैशबोर्ड पेज बना सकते हैं, जो भी डिजाइन आपको पसंद है अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेटर हम इसको फिक्स करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें डिजाइनिंग कर लेंगे। जैसे कि ये व्यू को मैं रिमूव कर लेता हूँ, साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेआउट भी, लेआउट से भी इसको रैप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लेआउट ऐड कर देता हूँ, लेआउट। मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करिए, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली लेआउट भी इम्पोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक व्यू ले लेंगे, यहाँ पे हमने एक व्यू को ऐड कर दिया। और इस व्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, पहले शुरू टेक्स्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। और इसमें हम लिख लेंगे डैशबोर्ड, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड बराबर से आ रहा है, और थोड़ा सा इसको स्टाइल भी कर लेंगे साथ में। आप क्या करें, टॉप पे जो है ना स्टाइल शीट को इम्पोर्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं स्टाइल शीट को इम्पोर्ट कर देता हूँ, इसका नीचे एक वेरिएबल बना देंगे। सो यहाँ पे आप क्या करें, वेरिएबल बना दें, कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट फंक्शन, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। एक मैं मेन कंटेनर बना लेता हूँ, और इसके अंदर हम कंटेनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कंटेनर। और इसको हम क्या करेंगे, इस व्यू पे जो है ऐड कर देंगे साथ ही में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। अभी इसके अंदर कोई भी डिजाइनिंग नहीं है, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना मेन करके कर देता हूँ मैं मेन, और यहाँ पे कंटेनर के बदले इसको कर देता हूँ मेन। सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करके एक बार देख लेंगे सही से इसमें अप्लाई होता है या नहीं। सो आप क्या करें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर लें, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे। आप चाहें तो डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा लाइट ग्रे, सेव। तो देखिए लाइट ग्रे कलर कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसकी हाइट जो है ना 100% कर लेता हूँ मैं, हाइट ऑफ 100%, सेव। और ये 5 हो गया, ये है परसेंट, सेव। तो 100% में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको कर लेंगे 96%, सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रे कलर हमको दिखाई देगा। और उसके बाद में हमारे पास जो हेडिंग है ना उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए भी एक स्टाइल शीट हम बना सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट टारगेट कर लेता हूँ मैं पहले शुरू स्टाइल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल्स डॉट हेडिंग, ये हमने ऐड कर दिया। इसको हम नीचे टारगेट कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ हेडिंग। और इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे पहले शुरू, और मैं इसको कर देता हूँ डार्क ब्लैक, सो #00000, सेव। और इसमें का जो भी कलर है उसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, तो उसके लिए आप जो है #FFFF यूज कर सकते हैं। और इसको सेंटर भी कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम यहाँ पे सेंटर में, तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। उसके बाद में आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी पैडिंग मैं ऐड कर देता हूँ, पैडिंग ऑफ 10। और इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा,
इसको कर देंगे हम फॉन्ट साइज, कर लेते हैं 30, देख लेते हैं एक बार। तो 30 तो ज्यादा हो रहा है, इसको हम 20 करके देख लेते हैं। 20, या 20 ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं। यह है डैशबोर्ड, और मार्जिन भी दे सकते हैं हम टॉप से। सो मार्जिन टॉप ऑफ 10, तो थोड़ा सा इसमें मार्जिन भी हमको देखने मिल रहा है, या फिर टोटल मार्जिन दे देंगे हम 10। ठीक है, टोटल 10 का मार्जिन मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ मैं इसमें, बॉर्डर रेडियस इसको कर देंगे 5 कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जो है राउंडेड भी हमको नजर आएगा कुछ इस तरीके से। और जो फॉन्ट वेट है ना उसको भी चेंज कर लेता हूँ मैं, फॉन्ट वेट इसको हम कर देंगे बोल्ड, सेव कर लेते हैं इसको। तो थोड़ा सा बोल्ड इफेक्ट हमको यहाँ पर नजर आएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर जो भी एडमिन पैनल में हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने उसके मेन्यूज को डिस्प्ले करा सकते हैं। कैसे कराएंगे उसको मैं क्या करता हूँ, एक व्यू में रैप कर लेता हूँ। तो आप क्या करें, पहले शुरू इस टेक्स्ट के बाद में एक और व्यू बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने व्यू को ऐड कर दिया, इसके अंदर जो है टचेबल ओपेसिटी का यूज कर लेंगे। तो आपको लिखना है टचेबल ओपेसिटी, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करिए फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हमारे पास रहेगा टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर आप लिख सकते हैं क्या क्या चीजें आपको इसमें करना है। जैसे कि फर्स्ट मैं कर लेता हूँ मैनेज प्रोडक्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर एक बटन आ रहा है मैनेज प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर एक आइकॉन को भी ऐड कर देंगे। सो फुटर में हमने ऐड किया था ना, तो फुटर में से आइकन को कॉपी कर लेंगे। सो फुटर पेज में ओपन कर लेता हूँ, और टॉप से इंपोर्ट को पहले कॉपी कर लेंगे। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पेस्ट, और फिर आइकन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्टाइल शीट को रिमूव कर लेंगे। सो ये रहा आइकॉन, इस आइकॉन को मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड में आएंगे, और इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से स्टाइल को हमको अभी रिमूव करना है, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है, देख सकते हैं। होम का आइकॉन और टेक्स्ट जो है एक के ऊपर एक आ रहा है, कि बाई डिफॉल्ट व्यू की पोजिशन जो है कॉलम होती है, इसको हमको चेंज भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस व्यू को जो है ना क्लास दे देंगे पहले शुरू। सो स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल का यूज करेंगे, और इसको मैं कर लेता हूँ बटन कंटेनर, कुछ इस तरीके से मैं क्लास दे देता हूँ। और ये टचेबल ओपेसिटी में भी एक बटन की क्लास हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे भी स्टाइल्स अप्लाई कर देंगे, स्टाइल्स डॉट, और इसको बटन कर देते हैं हम। दोनों को भी हमको क्रिएट करना है, तो दोनों को टारगेट कर लेंगे नीचे। पहले शुरू हमने लिखा था बटन कंटेनर, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा था BTN। सो BTN बटन कंटेनर में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है मार्जिन कर देंगे इसको वर्टिकली, और मैं इसको कर देता हूँ वर्टिकली 20 ठीक रहेगा। तो टॉप से थोड़ा सा मार्जिन भी हमको इसमें देखने मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल भी दे देता हूँ मार्जिन, हॉरिजॉन्टल इसको कर देता हूँ 10, 10 ठीक है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। अब इसके बाद में जो बटन पे भी काम कर लेंगे। सो बटन, बटन में आप क्या करें, पहले शुरू फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी चेंज कर लें, क्योंकि बाई डिफॉल्ट कॉलम है, तो इसको हम क्या करेंगे रो कर लेंगे। तो देखिए साइड बाय साइड आ रहा है, इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। पहले शुरू मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर सेव, तो बराबर ये सेंटर अलाइन हो गए। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, बैकग्राउंड कलर इसको कर लेता हूँ व्हाइट। सो हैश FF 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 सेव, तो ये व्हाइट कलर में कुछ इस तरीके से शो करेगा। इसमें पैडिंग भी ऐड कर देंगे, पैडिंग ऑफ 10, तो थोड़ा सा इनर स्पेस भी हमको इसमें देखने मिल जाएगा। और ये टॉप से ज्यादा मार्जिन हो रहा है ना, देख सकते हैं आप, इसको मैं 10 ही कर देता हूँ सेव। तो 10 अगर दोनों में है तो फिर हम क्या करेंगे डायरेक्ट मार्जिन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर इसको कर ले मार्जिन ऑफ 10। उसके बाद में आएंगे वापस यहाँ पे पैडिंग के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर फॉन्ट तो ठीक ठाक लग रहा है। बॉर्डर रेडियस में ऐड कर देता हूँ उसमें, बॉर्डर रेडियस ऑफ 10, तो थोड़ा सा ये राउंडेड हो जाएगा। और मार्जिन जो है ना इसका साइड से भी दे सकते हैं हम ज्यादा, क्योंकि ये हेडिंग और ये दोनों सेम सेम हो रहा है। सो इसको मैं कर लेता हूँ 15 करके एक बार देख लेते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ 15। और इसमें जो है ना शेडो का इफेक्ट भी हम ऐड कर देंगे, तो उसके लिए आपको लिखना है एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ 1, सेव कर लेते हैं इसको। तो थोड़ा सा इफेक्ट हमको नजर आएगा, बढ़ा के देख लेते हैं 10 कर लेते हैं, तो ज्यादा बॉक्सी इफेक्ट हमको नजर आएगा। देख सकते हैं आप शेडो का इफेक्ट आपको इसमें देखने मिल रहा होगा, काफी लाइट सा इफेक्ट है, आपको अपने फोन में या फिर सिस्टम में अच्छे से दिखाई देगा। अब ये हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गया बटन, इसके अंदर हमारे पास आइकॉन है और टेक्स्ट है, तो दोनों के लिए भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो नीचे मैं क्या करता हूँ, इसके लिए क्लास बना देता हूँ आइकॉन के नाम से, और इस आइकन को हम क्या करेंगे फॉन्ट साइज दे देंगे पहले शुरू, फॉन्ट साइज ऑफ 10 करके देख लेते हैं एक बार, और इसको अप्लाई भी कर देता हूँ साथ ही में। इस आइकॉन के अंदर हम क्या करेंगे स्टाइल का यूज करेंगे, स्टाइल, और फिर स्टाइल्स को टारगेट करेंगे स्टाइल्स डॉट आइकॉन सेव। और 10 काफी छोटा हो रहा है, तो इसको बढ़ा देते हैं हम, इसको 20 कर लेता हूँ मैं, 20 सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए 20 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है,
और मार्जिन भी दे देता हूँ राइट से, मार्जिन राइट कर देंगे 20। तो देखिए 20 20 कुछ इस तरीके से शो करेगा, ये रहेगा आइकॉन और उसके बाद में आइकॉन का टेक्स्ट। आप चाहे तो इसको सेंटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। मैं फॉन्ट साइज और बड़ा देता हूँ उसका, इसको कर लेते 25। और ये जो टेक्स्ट है इसका भी साइज हम चेंज कर सकते हैं, नीचे टारगेट कर लेंगे इसको BTN टेक्स्ट, और यहाँ पे भी फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज ऑफ 20 कर लेंगे इसको, सेव और अप्लाई कर देंगे इस टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या करें, लिखे स्टाइल, फिर हम स्टाइल्स को टारगेट कर लेंगे स्टाइल्स डॉट BTN टेक्स्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है, अरे काफी बड़ा दिख रहा है, सो मैं इसको 18 कर लेता हूँ, ये रहेगा 18, अब ठीक ठाक है। और ये 20 ज्यादा हो रहा है, सो इसको मैं कर देता हूँ 10 का स्पेसिंग, ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। मार्जिन लेफ्ट भी दे देता हूँ मैं, मार्जिन लेफ्ट इसको लेफ्ट से 20 कर लेता हूँ मैं, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, या फिर इसको कर लेंगे 10, ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं हम। पैडिंग चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं इसमें। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी को जो है रीयूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेचेबल ओपेसिटी को कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, जितने भी आपको बटन चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं पहले शुरू, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, अभी स्पेसिंग का भी इशू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे पहले शुरू जो है ना इसको चेंज कर लेंगे, फिर स्पेसिंग इसमें ऐड कर देंगे। जैसे BTN के अंदर स्पेसिंग है ना, सो BTN के अंदर हमने स्पेसिंग तो ऐड किया था ना, नहीं हमने इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया हुआ है, सो मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप कर देता हूँ या फिर बॉटम कर देंगे इसको, ठीक है, मार्जिन बॉटम इसको कर देता हूँ मैं 10। सो 10 से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, या फिर इसको कर देते 20, सेव। तो कुछ इस तरीके से मेन्यूज यहाँ पर दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। मैनेज प्रोडक्ट, मैनेज प्रोडक्ट, अच्छा सारे एक ही नाम है ना, अभी चेंज कर लेंगे इसको, मैनेज प्रोडक्ट हो गया, फिर उसके बाद में मैनेज कैटेगरीज, उसके बाद में मैनेज यूजर्स, फिर हमारे पास है ऑर्डर्स भी, सो ऑर्डर्स को भी हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए मैनेज प्रोडक्ट्स, मैनेज कैटेगरीज, मैनेज यूजर, मैनेज ऑर्डर्स, और उसके बाद में अबाउट ऐप कर लेंगे, सो यानी एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम शो करा सकते हैं, और इनके आइकन्स भी चेंज कर लेंगे। सो मैनेज प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, होम के बदले एडिट आइकॉन का यूज कर सकते हैं, सेव। और कैटेगरी में भी हम सेम चीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा एडिट, सेव। मैंने यूजर के अंदर हम यूजर का आइकॉन यूज कर सकते हैं, यूजर, तो देखिए यूजर यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा। और ऑर्डर्स के अंदर हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं, तो लिस्ट आई थिंक लिस्ट नहीं था, एक बार चेक कर लेते हैं, लिस्ट लिस्ट का आइकॉन तो नहीं है अपने पास, इसके बदले बार्स का आइकॉन था, एक बार चेक कर लेते हैं बार्स, अच्छा हाँ देखिए बार्स का आइकॉन था, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। और अबाउट ऐप में हम क्या कर सकते हैं, इन्फो का आइकन यूज कर सकते हैं, तो इन्फो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा एडमिन का डैशबोर्ड रहेगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, यूआई हम टोटली चेंज कर लेंगे, सो डोंट वरी। लेकिन एक बेसिक हमारे पास एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तो बन चुका है, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो फील फ्री टू मॉडिफाई, अपने हिसाब से जो इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा पैडिंग में इसमें बढ़ा देता हूँ, बटन के अंदर की पैडिंग को 20 करके देख लेता हूँ, 20, तो ये ज्यादा ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। और ज्यादा रीडेबल भी है, मैनेज प्रोडक्ट्स, मैनेज कैटेगरीज, यूजर्स, और अभी तो कुछ भी यहाँ पर काम नहीं करेगा, देख सकते हैं आप, इस पर अभी हमको स्टिल काम करना है। तो बेसिक एडमिन पैनल का सेटअप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, आगे हम क्या करेंगे, एक तो अब हम सर्वर पर काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बेसिक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तो अपने पास बन चुका है। देखते हैं, एक तो हम इसमें भी सेपरेट प्रोडक्ट्स पेज बना सकते हैं अभी भी, या फिर डायरेक्टली जो है नोड सर्वर भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं जो भी बेटर ऑप्शन हमको लगता है तो वो हम स्टार्ट कर देंगे।